doctors.com में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। doctors.com के जरिए हम हमेशा ही आपको ऐसे डॉक्टर्स से मिलाते हैं, ऐसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स से मिलाते हैं जो विविध विषयों पर, विविध मुद्दों पर हमारे साथ बात करते हैं और हमारे दर्शकों से इसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आज इसी श्रृंखला में डायबिटीज़ इस बीमारी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ है शिवशंकर आयुर्वेद से डॉक्टर कविता कोंड मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को आपसे जुड़ा थोड़ा सा परिचय बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता कोंड नागपुर में श्री के आर पांडव आयुर्वेद कॉलेज में प्राचार्य प्राध्यापक के रूप में के मुद्दे पर काम करती हूँ और शिव शंकर आयुर्वेद में एज अ कंसल्टेंट काम करती हूँ। सो कंसल्टेंट जुड़ी हुई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस शो में कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से आप भी जानती होगी और बहुत सारे पेशेंट्स भी आपके पास आते होंगे कि दिन प्रतिदिन हमारे देश में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा हो चुका है कि डायबिटीज़ एक आम सी बीमारी बन गई है। किसी भी उम्र में युवाओं में तक डायबिटीज़ को देखा जा रहा है। बहुत लोग डायबिटीज़ के कारण पीड़ित हो रहे हैं और इसी बारे में आज हम चर्चा मैम के साथ करने वाले हैं। कविता जी, जिस तरीके से डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ की इतने ज़्यादा मरीज़ सामने आ रहे हैं, बहुत बार लोग जिस तरीके से खान पान रखते हैं, जीवन शैली है, उस वजह से कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता दिख रहा है। मैं सबसे पहला शुरुआती सवाल जो आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि मधुमेह या डायबिटीज़ मेलिटस ये क्या है और किस तरीके से होता है? जी हाँ, मधुमेह या डायबिटीज़ ये कोई ऐसा इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं है। ये जनरली मतलब इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जा सकता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रूप में आता है, जो आपके बॉडी में एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म दो प्रकार की क्रियाएं होती है, जिसमें एनाबॉलिज्म यानी किसी चीज़ का फॉर्मेशन और कैटाबॉलिज्म यानी उसका डिस्ट्रक्शन। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को, दोनों प्रोसेस को, बनना और उसका डिस्ट्रॉय होना, ये दोनों प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसके कारण कि शरीर बनता है। तो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में अगर प्रॉपर नहीं है, इस प्रोसेस में अगर बिगाड़ आ जाए तो जिसके कारण शरीर में या खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है या शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। जिस तरीके से कहते हैं कि मतलब बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बीमारियों के अलग अलग टाइप होते हैं, तो क्या डायबिटीज़ के भी अलग अलग प्रकार है, और अगर है तो वो कौन से प्रकार है, मैं जानना चाहती हूँ। जी, डायबिटीज़ मेलिटस के भी दो मुख्य प्रकार का है। एक टाइप वन डायबिटीज़, जिसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहा जा सकता है। एक टाइप वन जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहा जाता है, जिसमें कि ये हेरिडेटरी अनुवंशिक भी होता है और जिसमें अनुवंशिक फैक्टर रहता है, और जिसे जुवेनाइल बच्चों में भी जो पाया जाता है वो जुवेनाइल डायबिटीज़ ये टाइप वन डायबिटीज़ में आता है। और टाइप टू डायबिटीज़, दैट इज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, दैट इज़ जिसमें कि इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं रहती है, ओरल मेडिकेशंस के साथ में भी, जो कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर, जिसको पैनक्रियास के कारण, जो पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रेट होता है, जो इंसुलिन हमारे शरीर में खून में जो रक्त शर्करा है, उस रक्त शर्करा को नॉर्मल रखने में मदद करता है, लेकिन उसकी फॉर्मेशन या उसका निर्माण में अगर कोई विकृति आती है तो इंसुलिन का फॉर्मेशन ही हमारे शरीर में कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर की मात्रा, लीवर से जो शुगर की मात्रा जो बनती है, वो शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन शरीर में नहीं होता, जिसके कारण कि हमारे को शुगर ब्लड में अधिक मात्रा में दिखती है, कभी कभी वो यूरिन में भी उसका प्रमाण दिखता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट में पाया जाता है। टाइप वन डायबिटीज़ जो है, ये टाइप वन डायबिटीज़ हेरिडेटरी है और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आने के कारण होता है, जिसमें कि इसके मुख्य
दो कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि आइदर इंसुलिन का सिक्रेशन ही कम हो जाना, या फिर सिक्रीट हुआ हुआ इंसुलिन ये हमारे टिश्यूज उसको एक्सेप्ट ना करना, जिसके कारण कि शुगर की जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो नहीं होता है, या कभी कभी दोनों भी चीज़ें पाई जाती है। जिससे हेरिडी इसका कारण वो एक तो लाइफस्टाइल हो सकता है, या इसके या पेनक्रियास के सेल्स जो रहते हैं, जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, जिससे कि इंसुलिन सिक्रेट होता है, वो सेल्स की विकृति के कारण भी हो सकता है। और दूसरा ये होता है कि जो हेरिडेटरी होता है, ये कंपोनेंट भी उसमें ज़्यादा होता है टाइप 1 में। टाइप 2 ये जो है, ये स्ट्रेस या एक्सेसिव वर्क, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, जिसके कारण कि सेकेंडरी टू सम डिसीज भी हो सकता है। वो फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है या कोई डिसीज के कारण भी हो सकता है, सेकेंडरी टू डिसीज ये भी पाया जाता है। तो दिस इज ऑल टाइप 1 एंड टाइप 2 डिसीज ऑफ डायबिटिक मतलब जिस मेलिटस। तरीके से आपने टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बताया, कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेस या ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है डायबिटीज़ में। जिस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है तो शुरुआती तौर पर उसे डायग्नोसिस, उसका डायग्नोसिस या उसका निदान किस तरीके से किया जाता है? मतलब क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति अगर अपनी रोज़मर्रा की लाइफ स्टाइल जी रहा और उसी बीच उसको डायबिटीज़ हो जाए, तो उसे कैसे समझेगा कि उसको डायबिटीज़ हो गया है? उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? जी, उसका निदान जनरली डायबिटीज़ में, ऐसा डायबिटीज़ का निदान करने के लिए जब तक शुगर का हम लोग उसका टेस्ट करते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थकान होना, या किसी काम में मन न लगना, या एक्सेसिव स्ट्रेस होना, बार बार यूरिनेशन, पॉली यूरिया यानी बार बार यूरिन के लिए उनको प्रवृत्ति होना, ये उसका मेन सिम्टम है। कि अगर एक्सेसिव यूरिन और बार बार यूरिनेशन की प्रवृत्ति होती है, तो दैट इज मेन सिम्टम ऑफ डायबिटीज। ऐसे पेशेंट में शुगर टेस्ट कराना चाहिए, पहली जो अच्छा ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए जो, और साथ में पैरेलल यूरिन शुगर भी कराते हैं। तो पैरेलल यूरिन शुगर कभी इस एक्सेसिव शुगर के कारण, ब्लड के अंदर शुगर के कारण, ये एक्सेसिव ये जनरली यूरिन में भी पॉजिटिव आती है शुगर। तो ये दो टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट रहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज है। उसके साथ में अगर कभी कभी पेशेंट को एक्सेसिव फूड हैबिट्स, या तो कुछ डाइटरी हैबिट्स, एक्सेसिव शुगर खा लेना, कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर लेना, ऐसे इसमें अगर शुगर बढ़ती है, या टेम्पररी शुगर बढ़ी हुई है, या इसको सच में डायबिटीज़ है, उसके लिए एक HbA1c एक ब्लड टेस्ट होती है, जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट कराने से हमको पता चलता है कि पिछले 3 महीने में शुगर का परसेंटेज ब्लड में कैसा है। अगर वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो दैट इंडिकेट्स द पर्सन इज हैविंग डायबिटीज मेलिटस। कहीं ना कहीं मतलब ये भी चीज़ है कि आपका यूरिनेशन अगर ज़्यादा हो या फिर स्ट्रेस थकान आपका, आता है, तो ये सारी चीज़ें जो चीजें सिम्टम्स है ये डायबिटीज़ के कहीं ना कहीं। और अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आते तो ये सावधानी हमको बरतना शुरू कर देना चाहिए। जी रेगुलर चेकअप कहीं ना कहीं शुगर का जी बेहद और ज़रूरी है। 40 के बाद तो रेगुलर ब्लड टेस्ट और रेगुलर चेकअप करना ही चाहिए, जिसको जिसके कारण कि एक प्रॉपर कंट्रोल रहे, एक प्रॉपर एक्सिस रहे कि किस तरह से हमारी बॉडी वर्क कर रही है। कविता जी, जिस तरीके से आपने डायग्नोसिस के बारे में बताया, कहीं ना कहीं अगर ये तो पहली स्टेज होगी कि इंसान को पता चल जाता है कि अच्छा उसे डायबिटीज़ है। अब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होने के बाद उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें जनरली मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें आइदर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, या तो फिर सिक्रीटेड इंसुलिन टिश्यूज एब्जॉर्ब नहीं करते, और जिसके कारण कि उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता और ब्लड में शुगर वैसा ही पड़ा रहता है। तो ये एक उसमें ये है। तो
टाइप वन डायबिटीज़ में ऐसे रहता है कि कुछ जैसे इंसुलिन देना पड़ता है, मॉडर्न जो हम बताते हैं एलोपैथिक में, उसमें जनरली इंसुलिन ये एक ट्रीटमेंट है, साथ में एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती है जो ड्रग्स हेल्प करती है इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन टिश्यूज़ में ज़्यादा हो। दूसरा इंसुलिन सिक्रेशन या स्टिमुलेशन आइलेट्स ऑफ एंगरहांस यानी जो पैनक्रियास का टिश्यू है उन टिश्यूज़ को हेल्दी बनाने में, उन टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करती है कि ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट करे। ऐसे दो प्रकार की ड्रग्स होती हैं। अब ये दोनों ड्रग्स एलोपैथिक में इस प्रकार की ट्रीटमेंट दी जाती है जिससे कि शुगर का लेवल्स ब्लड में नॉर्मल रहे। कहीं ना कहीं आपने इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया, पर अगर किसी व्यक्ति को जैसे हमने कहा कि डायबिटीज़ हो जाता है तो वैसे मेडिसिन से ये सारी चीज़ें तो हल हो ही जाती है, बट कहीं ना कहीं डाइट एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसे किस तरीके का डाइट प्लान करना चाहिए उसके लिए, इस बारे में आप क्या बताएंगे? जी डाइट के बारे में, डाइट एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दिस डायबिटीज़ मेलिटस में, क्योंकि हमको एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब हेल्दी और बैलेंस डाइट यानी वो डाइट जो कि हमारे शरीर को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सके। तो न्यूट्रिशन एवरी 4 आवरली हमने जितनी भूख है उससे आधा डाइट हमने लेना चाहिए, ये एक पहला रूल है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जैसे नवान्न है, नवान्न मतलब जो नया धान, जो नया क्या बोलते हैं ग्रेन्स जो तैयार होते हैं, वो नया धान कोई भी नवान्न अगर हम लेते हैं तो उसको पचन और उसके मेटाबॉलिज्म को बहुत टाइम लगता है, और वैसे धान्य नहीं लेना है। इसलिए पुराने ज़माने में भी जैसा होता था कि वह अगर धान निकलता था या कोई मतलब जो खेतों में धान तैयार होता था वो धान स्टोर में जमा करके रखते थे, 1 साल भर जमा करके रखते थे और उसके बाद में वो बाजार में बेचने के लिए रखते थे, क्योंकि नवान्न जो अन्न रहता है, नवा धान्य जो रहता है वो पचने में कठिन रहता है जिससे कि अधिक शुगर की निर्मिति होती है। इसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे मछली है, तली हुई चीज़ें है, जंक फूड है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक ड्रग्स होते हैं और ये सब फर्मेंटेड होते हैं जिनको पचने में टाइम लगता है और एक्सेसिव कैलोरीज उसमें नहीं मिलती है। ये जनरली ये सब फैट्स सीक्रेट्स करने वाले तत्व रहते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। और खाना शाम के जैसे दही है, मछली है या मीट है, ये सब बातों को हमने शाम के पहले ही खाना चाहिए अगर खाना है तो, अदरवाइज इसको अवॉइड कर सके तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। दूसरा है कि हमने फ्रूट्स है और जो प्रोटीन है, जो नेचुरल प्रोटीन्स है जैसे स्प्राउट्स है, चने हैं, या ऐसी चीज़ों का हमने सेवन करना चाहिए जो कि मॉर्निंग आवर्स में आपको ज़्यादा कैलोरी देते हैं। प्रोटीन वाला डाइट अगर हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो दैट गिव्स एक्सेसिव एनर्जी एंड गुड टिश्यू फॉर्मेशन, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि प्रोटीन्स का बाय प्रोडक्ट अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है जैसे गेहूं है, उसकी जगह ज्वारी अगर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह से अगर हम डाइट में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें और प्रॉपर डाइट लें, बहुत देर तक खाली पेट ना रहे, ज़्यादा ठीक तरह से पानी पिए, फलों का यूटिलाइजेशन करें, तो ज़रूर ही हमारे शरीर में शुगर की मात्रा नॉर्मल रहेगी और डायबिटीज़ का कंसंट्रेशन कम रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर डाइट बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है डायबिटीज के ठीक होने के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर डाइट मेंटेन रहेगा। चावल ये भी ये सारी चीजें करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती है, एंड प्रोडक्ट शुगर होता है। ओके, तो ऐसे अवॉइड कहीं ना कहीं जितनी भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग चीजें या फिर जिनका एंड प्रोडक्ट शुगर हो, ऐसी चीजों से जितना बचा जा सके उतना बेहतर है डायबिटीज में।
जैसे मैम कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का संबंध, सारी बीमारियों का संबंध हमारी इम्यूनिटी से होता है। हर चीज़, अगर आप सर्दी खांसी ले लो तो इसका भी संबंध इम्यूनिटी से कहीं ना कहीं होता है। तो अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, तो किस तरीके से डायबिटीज मेलिटस का संबंध हमारी इम्यूनिटी से होता है, इस बारे में जानना चाहती हूँ। अभी जैसे कोरोना का फर्स्ट वेव हुआ, सेकेंड वेव हुआ, उसमें भी हमने देखा कि जितने डायबिटिक पेशेंट्स थे, अभी थर्ड वेव का भी हम जो देख रहे हैं, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स थे उनको वो ज़्यादा प्रोन थे इन्फेक्शंस के लिए, और उनको इन्फेक्शंस कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। और ऐसे जो नॉर्मल पेशेंट है जो डायबिटिक नहीं है और उनको स्टीरॉयड भी देते हैं, तो बॉडी की इम्यूनिटी उस स्टीरॉयड के कारण भी उस समय बॉडी में शुगर्स का लेवल बढ़ गया था। तो ऐसे पेशेंट्स ज़्यादा क्रिटिकल हुए जिनको शुगर था या डायबिटीज़ था। तो बेसिकली क्या होता है कि ब्लड शुगर अगर एक्सेसिव है तो कोई भी इन्फेक्शन इमीडिएटली हमको हमारी बॉडी कैच कर लेती है, क्योंकि शुगर में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फंगस या कोई भी जीवाणु जल्दी से प्रोलिफरेट होता है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो है कि अगर शुगर नॉर्मल है तो हमारी इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छी से काम करती है, लेकिन अगर शुगर नॉर्मल नहीं है तो इम्यून सिस्टम सब टिश्यूज वीक हो जाते हैं। इसीलिए तो डायबिटीज़ को व्हाट यू कॉल्ड एज साइलेंट किलर कहा जाता है। तो इम्यून सिस्टम वीक होने से ऑब्वियसली हमको बीमारियाँ जल्दी लगती है, और दैट इज फेटल फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। कहीं ना कहीं अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो बहुत सारी चीज़ों से हमें बचाता है, डायबिटीज़ से भी बचा सकता है कहीं ना कहीं। और जब आपने कहा था कि कोरोना का इसमें कहीं ना कहीं जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट थे वो ज़्यादा इन्फेक्शियस थे डिसीज से, कोरोना से भी कह सकते हैं। तो अभी जो कोरोना का पीरियड है, चल रहा है, उसमें अगर हम बात करें तो कोरोना के दृष्टिकोण से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए एक डायबिटीज़ पेशेंट को, इस बारे में चाहती हूँ मैं आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने उनका डाइट प्रॉपर फॉलो करना चाहिए जिससे कि उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहे, पहली बात। उसके साथ में प्रॉपर एक्सरसाइजेस और शुगर का प्रॉपर चेकअप उन्होंने कराना चाहिए, और अगर उसमें, क्योंकि वो कोई ना कोई एंटी डायबिटिक ड्रग्स के साथ होंगे या कोई भी दवाई ले रहे होंगे, तो उसके साथ में उस शुगर का मॉनिटरिंग ज़रूरी है कि बॉडी में प्रॉपर शुगर लेवल मेंटेन हो रही है क्या, उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर वो प्रॉपर रखते हैं तो आधा 75% वो ही द पर्सन इज़ नॉर्मल। तो क्योंकि डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है कि जिसको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको ऐसा है कि उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो उस स्थिति में जो कोरोना की अभी जो इम्यूनिटी के सिचुएशन का जो पीरियड है, इस पीरियड में सबसे पहले ये काम करना है कि हमारा शुगर लेवल्स, जो डायबिटिक पेशेंट है उन्होंने अपना शुगर लेवल मॉनिटर करके उसको प्रॉपरली नॉर्मल लेवल पे लाने की कोशिश करना है विद डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन। और टाइम टू टाइम अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो डॉक्टर से सलाह ले ताकि उनको उस चीज़ में और हेल्प हो सके। कहीं ना कहीं मैम आप शिवशंकर आयुर्वेद में कार्यरत है, आयुर्वेदा से जुड़ी है कहीं ना कहीं। तो जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो किस तरीके से आयुर्वेदा में इसके प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए हैं, आप क्या बताएंगे इस बारे में? आयुर्वेद में डायबिटीज़ मलाइटस ये प्रमेह का एक प्रकार बताया गया है। तो प्रमेह या मधुमेह, इसमें रक्त शर्करा का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है। तो वो अभी जैसा मैंने बताया कि डायबिटीज़ मेलाइटस में शुगर की लेवल्स ब्लड में बढ़ जाती है, तो आयुर्वेद में उसके लिए एक दिनचर्या बताई गई है, जिससे कि इट इज़ रिलेटेड विथ लाइफस्टाइल जो अभी का डिसऑर्डर, इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए हमको लाइफस्टाइल की जो ये है पैटर्न है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो अब वो पैटर्न हमारे आयुर्वेद में बताया कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे मतलब सूर्य जब उगता है उसके
एक डेढ़ घंटे के पहले हमको उठना है, उसके बाद थोड़ा व्यायाम। अगर ये अगर आयुर्वेद में व्यायाम बताया है तो ये ज़रूरी नहीं कि आज के लाइफस्टाइल में हम व्यायाम ही कर पाए। वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डायबिटिक पर्सन, तो अगर वो भी करते हैं तो 6 किलोमीटर्स वॉक पर डे, और जो भी और उसके बाद में जो डाइट फॉलो करना है, जो आहार विधि बताई गई है, वो आहार विधि शाम को मतलब सुबह से लेके उसको फ्रैक्शंस में लेना है, एक साथ पूरा खाना नहीं खाना है उसको। हर 4 घंटे में अगर हम फ्रैक्शंस में खाना खाते हैं तो भी शुगर मेंटेन होने में हेल्प हो सकती है। और ऑब्वियसली जैसे आज की लाइफस्टाइल अगर हम बोलते तो रात को 12-1 बजे तक हम लोगों का लोगों जॉब में रहते हैं या कुछ नहीं कुछ तो फिर गैजेट्स होते हैं जैसे फोन पे ही लगे या कुछ, तो ऐसे सिनेरियो में जो मेंटल डिस्ट्रैक्शन होता है वो मेंटल डिस्ट्रैक्शन में भी एक्सेसिव साइटोकाइंस का भी सिक्रीशन होता है, जिसके कारण कि वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंसुलिन को अपना काम करने के लिए। अच्छा। या इंसुलिन को ये एब्जॉर्ब करने के लिए, इससे भी शुगर वो स्ट्रेस के कारण भी शुगर बढ़ता है। अच्छा। तो उन सब बातों को अवॉइड करने के लिए मेडिटेशन करें, वॉक करें, उसके साथ में प्रॉपर डाइट ले, तो इन सब बातों को अगर फॉलो करते हैं प्रॉपरली तो डाइट में भी हमारे इसमें आहार विधि बताई गई है, पर आहार विधि व्यक्ति की प्रकृति को देख के बताया जाता है, तो उस हिसाब से भी हम आहार विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। आयुर्वेद में आयुर्वेद की ट्रीटमेंट में दो बातें ये है कि जो हम मेडिसिंस देते हैं वो मेडिसिंस जैसे टिश्यूज़ को हेल्दी बनाने के लिए हेल्प करते हैं, तो वो टिश्यूज़ जैसे पैंक्रियास के टिश्यूज़ को हेल्दी बनाएंगे तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस से इंसुलिन का सिक्रीशन, अगर टिश्यू हेल्दी है तो सिक्रीशन भी नॉर्मल रहेगा, पहली बात। और दूसरा ये होता है कि जो टिश्यूज इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो वो टिश्यूज भी अगर हेल्दी हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी इंसुलिन अच्छे से सिक्रेट करेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन से उन टिश्यूज को हेल्दी बनाने, बेसिक टिश्यूज को हेल्दी बनाने के कारण कोई वो अपने आप ही नॉर्मल प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आपने एक्सरसाइज का भी रोल बताया कि किस तरीके से एक्सरसाइज एक अहम भूमिका निभाती है डायबिटीज़ में। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें चीज़ों मतलब मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ से आपको बचाती है। और अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहती है, आपको उससे ठीक होने में मदद करती है। आपने आयुर्वेदा की दिनचर्या के बारे में भी बताया कि किस तरीके की दिनचर्या होनी चाहिए, इसका रोल जानना चाहती थी मैम कि जिस तरह से आयुर्वेदा की दिनचर्या है उसका रोल, उसकी भूमिका क्या है उसके बारे में। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। हम अगर प्रॉपर शरीर को रिजुवनेट करते रहे या प्रॉपर शरीर को हम अगर रूटीन प्रॉपरली फॉलो करते रहे, जैसे डाइट का रूटीन है कि अगर हम प्रॉपर उसी समय पर डाइट लेते रहे तो हमारी जो शरीर में जो एक्सेसिव टॉक्सिन्स निर्माण होते हैं वो टॉक्सिन्स अपने आप उनको एक विशेषता इंटेस्टिन और ऑर्गन्स को भी एक प्रकार की नियम और नियमितता आ जाती है, जिसके कारण कि उनमें चयापचय की जो प्रोसेस में जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में बिगाड़ होने की एक संभावना रहती है वो नहीं रहती। जैसे पुराने लोगों में एक मतलब जैसे हमारे पुराने जैसे दादा नाना आप लोगों को पता होगा कि पुराने जैसे वो खेत पे जाते थे तो जाने के पहले सुबह जल्दी उठते थे, सुबह जल्दी उठते थे और उठे बराबर उनका फिजिकल वर्क ज़्यादा रहता था। अच्छा। तो फिजिकल वर्क ज़्यादा हर चीज के लिए वो फिजिकली काम करते थे, कहीं जाना है तो भी वो फिजिकल मतलब क्योंकि उठते थे उसके बाद में वो अपना नाश्ता करके फिर खेतों में काम करते थे, वहाँ उस समय हर चीज के लिए गाड़ी या हर चीज के लिए कोई साधन नहीं होता था, जिसके कारण कि वो हर चीज में बैठे बैठे वो सिडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो सिडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कारण है ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का। हमारे आयुर्वेद में इस जो प्रमेह या मधुमेह को
अमीर लोगों का एक रोग कहा गया है। अमीर लोगों का रोग क्योंकि राजा महाराजाओं को होता था पहले, तो ये राजा महाराजाओं को होने का कारण यह था क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल सिडेंटरी थी, और आजकल वही सिडेंटरी लाइफस्टाइल अभी अपने लोगों में भी नॉर्मल ऑलमोस्ट सभी में, ऑलमोस्ट सभी, क्योंकि सभी के पास रिमोट है, वो रिमोट में हर चीज काम करते हैं। हाँ, तो अभी उसी रिमोट के कारण क्या हो गया है कि उनकी फिजिकल एक्सरसाइज, टिश्यू एक्सरसाइज कोई नहीं है। कहीं जाना है तो गाड़ी में बैठते हैं जाते हैं, कहीं पे अगर कुछ लाना भी है तो कोई जरूरत नहीं है, रिमोट से काम होता है सारी, तो कोई सारी चीजें काम से हो। तो उसके कारण क्या होता है कि बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइज जीरो है, और जिसके कारण कि अगर फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स शुगर का यूटिलाइजेशन कम हो गया है, और यूटिलाइजेशन कम होने के कारण ऑब्वियसली ओबेसिटी, थकान और ये बाकी की सेकेंडरी ये जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और वही कारण है शुगर बढ़ने का, और डायबिटीज़ का लेवल या प्रमाण अपनी जनता में या नॉर्मल लोगों में ज़्यादा होता है। तो ये इसको अगर अवॉइड करते हैं तो ऑब्वियसली हमको हेल्प हो सकता है। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल था आपसे कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें एक टेक होम मैसेज क्या देंगे? टेक होम मैसेज यानी डायबिटीज़ ये एक दिस इज़ अ डिसीज विच इज़ रिलेटेड विथ आर लाइफस्टाइल। तो मुझे सभी दर्शकों से ये कहना है कि अगर किसी को लगता है कि आफ्टर अगर मीन्स इट डिपेंड्स ऑन एज ग्रुप, अगर कोई ओबेज है या किसी को फैमिली हिस्ट्री है या किसी को ऐसा फैमिली में किसी को है, तो ऐसे लोगों ने सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोगों ने 30 के बाद 20 के बाद एक साल में एक बार रेगुलर चेकअप करना चाहिए शुगर का। दूसरी बात यह है कि क्योंकि यंग एज में कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ सिम्टम्स नहीं आएंगे, और ऐसा कहीं लगता भी है कि पॉलीयूरिया हो रहा है, बार बार यूरिनेशन को जाना पड़ता है, रात में उठना पड़ रहा है, या हाथ पैर में थकान लग रही है, या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ऐसे सिचुएशन में भी शुगर चेक कर लेना चाहिए पहली बार। दूसरा, एवरी पर्सन शुड हैव अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट रादर देन हैविंग अ डाइट ओनली, कि भाई हम कोई भी जंक फूड ले लेते हैं आजकल, पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब चीज़ें जो हम हो सके तो अवॉइड कर सके। साथ में अगर अल्कोहल और बाकी के जो हार्ड ड्रिंक्स है उनको भी अवॉइड करना चाहिए, वो अगर हम अवॉइड करते हैं तो बहुत से टॉक्सिन्स हम हमारे शरीर में लेना बंद कर देते हैं। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगी कि एक रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सुबह उठ के प्राणायाम करे या सुबह उठ के आसन कर सके, अगर नहीं हो पाता है तो एक सिंपल वर्कआउट जिसमें कि कुछ कैलोरीज बर्न हो सके वो भी अगर करते हैं तो वो भी सफिशियंट है हेल्दी रहने के लिए। कहीं ना कहीं कुछ सिंपल स्टेप्स जैसे मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, स्ट्रेस थोड़ा सा कम, वैसे तो स्ट्रेस फ्री लाइफ आजकल लोगों की है, बट फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना, और उसके बाद प्रॉपर डाइट का फॉलो करना, ये सारी चीजें जो है वो आपको डायबिटीज से बचा सकती है और एक अच्छी और बेहतर लाइफ आपको दे सकती है। तो अगर आप सभी को, सभी दर्शकों को डायबिटीज से बचना है, या अगर आपको डायबिटीज हो भी गया है तो आपको बस कुछ सिंपल चीजें करनी है, जैसे एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर डाइट फॉलो करना है, और अगर आपकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस है, क्योंकि ये स्ट्रेस रिजल्ट करता है आपको डायबिटीज होने के लिए, तो अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो वो भी आप मेडिटेशन से दूर कर सकते हैं। तो बस कुछ सिंपल स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और कहीं ना कहीं इससे आप डायबिटीज से बच सकते हैं, और अगर आपको हुआ है तो वो भी ये सारी चीजें करके बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कविता जी आपका, आपने जो इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे सभी दर्शकों को दी है और आपका इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी दर्शकों के लिए आज फिलहाल हमारे इस doctors.com में इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे doctors.com के अगले एपिसोड में, जहां और एक ऐसे ही डॉक्टर रहेंगे और एक किसी बीमारी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान देते रहिए और देखते रहिए BCN News। नमस्कार।